Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Qazafi Abbasi, lecturer in chemistry, Government Boys Degree College, Nawabshah. Today is my lecture, periodic classification. This is topic of interchemistry, book 2. The arrangement of elements with similar properties are arranged in same groups. तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन का मकसद ये था कि एक जैसे एलिमेंट्स को एक जैसे ग्रुप में रखना जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो उसके लिए फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसका नाम था डोबेनियस और उसके ला दिया था जिसका नाम था ला ऑफ ट्रेट्स। तो इन 1829 जे डब्ल्यू डोबेनियस वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट हु अरेंज द एलिमेंट्स इन टू ग्रुप ऑफ थ्री। तो डोबेनियस वो साइंटिस्ट था, फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को ग्रुप में डिवाइड किया और हर ग्रुप में तीन एलिमेंट्स रखे जिसके लिए इसका नाम रखा गया ट्रेट्स। ही प्लेस्ड द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ग्रुप थ्री कॉल्ड ट्रेट्स और उसने एलिमेंट्स को तीन के ग्रुप में जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी, तो उनको थ्री के ग्रुप में रखा गया और उसका नाम दिया गया ट्रेट्स। तो ये ला क्या करा था? ला ऑफ ट्रेट्स क्या है? दैट एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट्स इज एप्रोक्सीमेटली द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये कह रहा है कि भाई जो मिडिल एलिमेंट्स का जो मास होगा वो दूसरे जो दो एलिमेंट्स हैं उनका अप्रोक्सीमेटली उनका अरिथमेटिक मीन होगा। फॉर सपोज जैसे कि हमारे पास ये तीन एलिमेंट्स हैं लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का सिंबल है Li और इसका जो मास है वो 7 है जबकि पोटेशियम का मास जो है वो 39 और इसका सिंबल K है। जब इसके अर्थमेटिक मीन निकाली 7 + 39/2 तो इसका मास आ गया 23। तो 23 जो है वो सोडियम का एटॉमिक मास है। इसी तरह से एक सेकंड ग्रुप है हमारे पास वो है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 और आयोडीन का मास है 126.9 और इनकी अगर हम अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं तो इसका जो जवाब आ रहा है वो 81 जबकि ब्रोमीन का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली 80 है। इसके लिए हमारे पास तीसरा जो उसने ट्रेट्स बनाया वो था कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम। कैल्शियम का मास जो है वो 40 और बेरियम का 137.3। अगर इन दोनों को प्लस करें 40 + 137.3/2 करेंगे अप्रोक्सीमेटली तो इसका जवाब आ जाएगा 88 जबकि स्ट्रॉन्टियम का मास जो है वो 87 है। तो कुछ एडवांटेजेस हैं, वो एडवांटेज ये थे कि भाई ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने ग्रुप्स में अरेंज किया और दूसरा ये एडवांटेज ये है कि ये अभी तक इस पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारे पास उसमें ये तीनों ग्रुप्स मौजूद हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट ए है तो यहाँ लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम एज इट जो डोबेनियस ला था जिसने ट्रेट्स बनाया था उसने ये तीनों एलिमेंट्स थे। इसी तरह से कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम सेकंड ए ग्रुप में मौजूद है। इसी तरह से हमारे पास 7A ग्रुप में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये अभी भी जो नई पीरियोडिक टेबल है जो हमारे जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मुजले पीरियोडिक टेबल कहते हैं उसमें भी मौजूद है। अब डिसएडवांटेजेस क्या थे? तो डिसएडवांटेज ये थे कि ही डस नॉट इंक्लूड ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन डेटा। उस जमाने में कुछ जितने एलिमेंट्स मौजूद थे तकरीबन 30-32 एलिमेंट्स मौजूद थे तो उन सबको इस फार्मूले के तहत अरेंज नहीं कर सका और आगे इससे काफी बेहतर जो टेबल थी वो न्यूलैंड्स ने 1869 में एक और टेबल दे दी थी। तो हमने क्लासिफिकेशन पीरियडिक क्लासिफिकेशन फर्स्ट हमने डिस्कस किया था डोबेनियस ऑफ ट्राइट्स को, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव इन 1864 he arranged elements
He arranged the elements in ascending order. Increasing atomic mass. इसने एटॉमिक मास के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को प्लेस किया, जो जिसका मास कम था उसको पहले रखा, उसके बाद फिर आस्ते आस्ते मास के हिसाब से वो बढ़ाता गया। ही ऑब्जर्व दैट एवरी एट एलिमेंट रिसेंबल इट फर्स्ट वन, इसने देखा कि जो आठवां एलिमेंट था उसकी रिजेंबलेंस जो थी वो पहले एलिमेंट्स के साथ थी, जैसे लिथियम, इसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इसने सेवन ग्रुप्स में, सेवन पीरियड्स में इसको जो ना वो रखा, और इसने देखा कि जो आठवां एलिमेंट आ रहा था वो आ रहा था सोडियम। सोडियम की रिजेंबलेंस जो है वो लिथियम के साथ है, लिथियम। बेरिलियम की रिजेंबलेंस मैग्नीशियम के साथ है, बोरान की रिजेंबलेंस एल्यूमिनियम के साथ है, कार्बन की रिजेंबलेंस सिलिकॉन्स, फास्फोरस और सल्फर एंड क्लोरीन। तो अगर ये इस ग्रुप और पीरियड्स में देखा जाए तो इसने इस पीरियडिक टेबल को एक टेबुलर फॉर्म दिया और सेवन जो ग्रुप्स बनाए और देखा कि जो आठवां एलिमेंट आ रहा है उसकी रिजेंबलेंस पहले एलिमेंट के साथ हो रही है। जैसे हमारे पास जो आठवां एलिमेंट लिथियम के नीचे जो आ रहा था सोडियम, तो लिथियम और सोडियम की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल कर रही है, इसी तरह से बेरिलियम की मैग्नीशियम के साथ रिजेंबल कर रही है और बोरान की एल्यूमिनियम के साथ, कार्बन की सिलिकॉन के साथ, नाइट्रोजन की फॉस्फोरस के साथ, ऑक्सीजन की सल्फर के साथ और फ्लोरीन की क्लोरीन के साथ। तो इसने उस वक्त जो एलिमेंट मौजूद थे, 56 एलिमेंट मौजूद थे, उन सब एलिमेंट्स को उसने अपनी टेबल में एक्युमुलेशन किया या उसने उसको प्लेस किया। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने एक टेबुलर फॉर्म को की अरेंजमेंट की। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो इसका जो एडवांटेज ये है कि ये इसने अरेंज किया एलिमेंट्स को इन ग्रुप्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसने एलिमेंट्स को प्लेस किया। दूसरा इसका जो एडवांटेज था वो ये था कि इसने ऑल एलिमेंट्स को जगह दे दी, एक्युमुलेशन की। ही एक्युमुलेट या ही प्लेस ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन द साइन। तो ये इसकी एडवांटेज था कि उसने ऑल एलिमेंट्स को प्लेस किया जो कि उस जमाने में, उनके टाइम में जो मौजूद थे 1864-1865 में मौजूद थे। अब इसकी जो डिसएडवांटेज भी था, तो इसका जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि नोबल गैसेस, जो नोबल गैसेस उस जमाने में डिस्कवर नहीं हुई थी, जैसे ही नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो आठवां ग्रुप जो था वो नोबल गैसेस का आ गया। तो इस हिसाब से नोबल गैसेस जो ना वो
इसके ग्रुप में प्लेस नहीं हो सकती थी। और इसके अलावा जो हैवी एलिमेंट्स थे जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, तो उसके लिए भी इसने कोई जगह नहीं छोड़ी थी। इसके ये दो डिसएडवांटेजेस थे। थैंक यू वेरी मच।